मुझे स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए। हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल फोर व्हील ऑटोमोबाइल्स में। तो यार पहली बात तो गर्मी इतनी ज़्यादा ना, तो पहले दो तीन दिन जो वीडियो नहीं आई उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं। आपको मैंने बताया था कि मैं हिल स्टेशन जा रहा हूँ, तो उस वजह से कुछ शूट नहीं हो पाया। तो आज आपको बताते हैं क्या सीन्स रहने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा वर्कशॉप का भी देखेंगे और अपनी स्कॉर्पियो का भी देखेंगे। तो जो स्कॉर्पियो आप लोगों की आ गई है, इसकी अंदर से फिटिंग वैसे करवाई है अभी तक, इसके ट्रिम्स वगैरह। नमस्ते जी, कैसे हो? ठीक हो? बड़े दिनों बाद देख रहे हो, क्या चक्कर? इधर ही थे जी। ठीक है, तो पंकज क्या कर रहे हो? डैशबोर्ड फिटिंग। तो इसकी आज डैशबोर्ड की फिटिंग कर रहे हैं, और इंटीरियर आप देख रहे हो कि इंटीरियर अंदर से ट्रिम्स वगैरह लगा दिए हैं। तो इसका ब्लैंकेट जो था ये भी वॉश करवा के ये भी लगा दिया है। तो आज कोशिश करते हैं कि अंदर वाला काम जो है वो ख़त्म हो जाए, और फिर आगे के क्या मूड बनता है वो मौसम पे डिपेंड है। फिलहाल तो अभी धूप है, गर्मी ज़्यादा है। अगर मौसम कुछ अच्छा होता, बारिश वारिश होती है, तो फिर हम गाड़ी को कहीं ना कहीं ले जाएंगे। तो आज ये हमारे पास एक गाड़ी आई है, ये श्रीनगर से आई है। तो एक्चुअली ये लोड की हुई है इसमें, तो ये वहाँ से गाड़ी पूरी फिट करके लाए हैं इसमें। तो इसको नीचे उतारना है, तो उतारने के लिए क्या है कि हाइड्रा वाले को हमने फ़ोन किया, तो दो तीन को फ़ोन किया, तो कोई 3,000 कोई 4,000 ऐसे मांग रहा था। तो आपको बताइए आपके भाई का कि जहाँ से कस्टमर के पैसे बच जाएं, हम तो उसी हक में रहते हैं। तो फिलहाल कोशिश करते हैं कोई जुगाड़ लगा के ना इसको यहीं उतारने की। तो अगर नहीं उतरती है तो फिर हाइड्रा को बुलाएंगे। तो अभी यहाँ से इसको गाड़ी को हटाएंगे और सेंटर में लाएंगे। ठीक है, आने दो आने दो, थोड़ा टर्न करो। हाँ ठीक है, बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी आगे करेंगे तो ये टाइट होएगा, और मतलब गाड़ी यही रोके रखेगा, और गाड़ी जो ये महिंद्रा है थोड़ी थोड़ी आगे आगे जान दो, वो आगे निकल जाएगी। तो ये कुछ ऐसा तरीका है जो कि सोचा है मैंने। अभी रस्सा लूज है, जान दो, जाने दो जाने दो, बस 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 जाने दो, धीरे धीरे। नहीं 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 नहीं, ये बैंड हो रहा है, ये बैंड हो रहा है। हाँ। ही टायरा च हवा भरो यार पहले, भैया रुको एक मिनट। तो एक्चुअली क्या है कि इस वाले पिलर को भी जो है काफी जोर पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है कि ये ना निकल जाए नीचे से। तो हवा भरिए टायरों को, हवा भरने से हो सकता है थोड़ा सा फ्री हो जाए। बस तो अभी यहाँ पे जैक लगा रहे हैं ताकि थोड़े से टायर ऊपर आ जाए, और ये एंगल जो है वो टायर के नीचे फिट हो जाए। पहले बॉडी उठेगी फिर ये आएगा, क्योंकि शॉकर है ना। तो अभी ऐसे यहाँ से टायर ऊपर हो गया, आ जाएगा ना, कोई बात नहीं। तो धक्के से ही ऊपर हो गई है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में जैक ने बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लान हो गया जी फ्लॉप, सुपर फ्लॉप, क्योंकि अगर ये लगाएंगे तो गाड़ी आगे जाएगी, तो ये एंगल तो सीधा ही गिर जाएगा। तो अगर यहाँ से धक्का मार के पीछे करते हैं तो गाड़ी आगे स्पीड में पिलर के साथ लग सकती है। तो अभी प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं। तो अभी आइडिया तो बिल्कुल सेम रखा है, बट ये है कि गाड़ी को यहाँ से थोड़ा सा आगे किया कि अगर स्पीड में पीछे भी आती है तो इसे हम यहाँ पर रोक सकते हैं। तो यहाँ पर जो था वो रिस्क था काफ़ी। खींचो खींचो खींचो, आंदो आंदो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है खिंचो खिंचो। और नहीं आती यार इतनी जल्दी, खिंचो अंदर अंदर जावे कदों बंदा, चलो आंदो आंदो, आराम से आराम से। उस साइड तो फेंडर फेंडर नहीं लगे, गाड़ी उस साइड करो, इधर तक मारो ना, इधर ये निकल गया निकल गया निकल गया।
दो मिनट ये बोल्ट पे फंसा सिर्फ है ना। एक मिनट रुको, गुल्लू वाली साइड तो लाओ धक्का। अगू ना गड्डी साइड करो, इस साइड तो लगाओ धक्का सारा, ठीक है। चलो आंदो आंदो टूटे रहा है उस साइड का। चलो ठीक है अब अगले टायर तो वहां पर लो। गाड़ी तो भी आ गई है 90% नीचे आ गई है, बस थोड़ी सी ये रहती है तो इसका भी करते हैं कोई हल। तो यहाँ पे अभी अगले टायर में भी हवा पड़ रही है कि इजीली अभी गाड़ी जो है वो नीचे आ जाएगी, बट गर्मी का बुरा हाल है। अगर भी खींचो टायर खींचो, ध्यान नाल पीछे नहीं आए। ओए इसी पीछे कर, पहले तू पीछे हो भाई। थोड़ी लाओ अगे तक आ। चल गुल्लू गोल गोल फिर आ जा। ठीक है चलो बस ठीक है। उस साइड फेंडर ते नहीं बजग? आंदो जैक डाउन कर। चल ठीक है। ओए रुक ठीक है। तो डैशबोर्ड का लोअर जो पार्ट है वो फिट हो चुका है, और ये देखो गर्मी से बचने के लिए गत्ता लगाया है पंखे ने, तो अंदर की फिटिंग फिलहाल। तो अभी जी हम आ चुके हैं अपनी सफारी में, और आप सोच रहे होंगे कि सफारी में क्यों आए हैं। तो सफारी में अभी हम निकले, एक्चुअली गर्मी काफ़ी थी और सभी लड़कों की डिमांड थी, काम हो नहीं रहा था। तो अभी प्लान किया हमने कि थोड़ा सा आउटिंग के लिए निकलते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं पत्नीटॉप। तो जैसे कि आपको पता ही है लास्ट वीक में तो हो ही आया था, सभी लड़के कह रहे थे कि हमने भी जाना है, तो मैंने कहा चलो फिर सारे इकट्ठे ही चलते हैं। तो बाकी जो स्कॉर्पियो का काम है फिलहाल वो रुक गया है, क्योंकि हम वर्कशॉप है नहीं। तो दो गाड़ियाँ फिलहाल, एक गाड़ी पे मैं अभी भैया क्या लाए बढ़िया जी बढ़िया, और पीछे हमारे राकेश और साथ छोटू जी, और बाकी एक गाड़ी की बाकी लड़के दूसरी गाड़ी में। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या सीन्स रहने वाले हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं नगरोटा, और सामने हमारी करम भूमि, हमारा ऑफ रोड ट्रैक। तो अभी थोड़ी देर इसको वेट करना पड़ेगा, फिर अपनी स्कॉर्पियो लेके हम पहुंचेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल गाड़ी खींचते हैं क्योंकि लेट हो गए हैं ज़्यादा। पहली गाड़ी हमारी काफ़ी आगे पहुंच चुकी है, तो हमने सामान वगैरह काफ़ी लेना था, तो जान से चलाने पड़ेगी। तो पहले सामान वगैरह काफ़ी लेना था, तो वो सामान इकट्ठा करते काफ़ी टाइम लग गया। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे पत्नीटॉप पे। तो फॉग जो है वो आप देख सकते हैं, इतनी ज्यादा फॉग है ना, और यहाँ है हमारी टीम सारी। हाँ जी हेलो कर दो सारे। तो सारे बंदे मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलो आगे और मजा करेंगे। तो अभी सामान निकाल रहे हैं, सिलेंडर वगैरह, हम आइस बॉक्स लाए थे बढ़िया, इसका कोई काम नहीं, मौसम काफ़ी ठंडा है, पानी वानी तो, बाकी राशन का सामान अंदर बड़ा है। तो कल मतलब आज का दिन और कल का दिन पूरा एंजॉय करने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मार्केट है, ये छोटी सी मार्केट है, और अभी हमने यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक करना है, और आगे हम जाने वाले हैं जहाँ पे हमने एक कैफ़े है वो बुक किया है, वहाँ पे टेंट्स बुक किए हुए हैं। तो अभी देखते हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वहाँ पे, तो ऑनलाइन ही बुक किए थे, तो देखते हैं कैसे क्या रहने वाला है सीन, क्या मज़ा आता है। तो फिलहाल तो वेट कर रहे हैं, अभी 2 लड़के नीचे चले गए थे तो उनको बुलाया वापस, तो फिर सामान सारा यहाँ से लेके तो निकलेंगे। तो आप लोग कह रहे थे कि टीम हमारी जो है बहुत मेहनती है, बच्चे बहुत बढ़िया काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आज इनको इन्जॉय कराएँगे पूरा। तो अभी यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, जो कैंपिंग साइड है हमारी वो यहाँ से काफ़ी नीचे है। तो बाकी कुछ लोग आगे, कुछ लोग हमारा डुप्लीकेट पुनीत सुपरस्टार।
चलो चलो आराम से तो यहाँ से मतलब पूरा जंगल टाइप है, तो अभी काफ़ी चलना है, अंधेरा भी काफ़ी है, तो अभी वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं क्या नज़ारे रहने वाले हैं। तो अभी लड़के तो फुल मस्ती में हैं, आप सुन सकते हैं इनकी, ये देखो इनकी आवाज़ें हैं। तो भाई साहब ये कैंपिंग साइट है हमारी, बहुत प्यारी है, ठंड काफ़ी अच्छी है, चीड़ के दरख्त अभी नहीं दिख रहे, मॉर्निंग में दिखाऊंगा। और ये कुछ टेंट्स हैं यहाँ पे, देखते हैं कौन से टेंट्स अपने हैं। और यहाँ अंदर म्यूजिकल प्रोग्राम वगैरह, गेमिंग वगैरह भी काफ़ी है, तो भी देखते हैं क्या लगे जी। वो ठीक हो आना तड़क नहीं होती गल, बंदे यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पे फिलहाल हमने खाने वाने का सेटअप रख दिया है, कालीन अपना यहाँ बिठा दिया है, यहाँ बैठे हैं और कुछ वहाँ पे फैमिलीज वगैरह डांस वगैरह चल रहा है और फुल एंजॉय होने वाला है, तो आप भी इंजॉय करिए आज। तो अभी यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, तो सारा वेज ही बन रहा है, तो यहाँ पे ऑयल फ्राई हो रहा है, तो इसमें हम अपने प्याज फ्राई करने वाले हैं। एक्चुअली हम वेज बिरयानी बनाने जा रहे हैं, और यहाँ टमाटर कट रहा है, यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, वो मिर्ची आ गई, और विशाल यहाँ भी कुछ नहीं कर रहा। विशाल अब क्यों नहीं कुछ कर रहे? मैं इनको बता रहा हूँ, इनका मास्टर हूँ। अच्छा मास्टर है ये, ठीक है, और ये कर्सी मास्टर। तो भाई यहाँ पे अभी हमने टमाटर वगैरह डाले हैं और प्याज वहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, और बारिश आ गई है, सामान फटाफट उठा रहे हैं यहाँ से, और वो सामने रूम है वहाँ पे भाग रहे हैं सारे। तो फिलहाल एमरजेंसी में ये रूम मिला है हमें, तो यहाँ फिलहाल हमने सामान रखा है, वो वहाँ से फटाफट सामान ला रहे हैं, वो भी बताते हैं आपको। वैसे बारिश का कोई पता नहीं, बंद ही हो जाए, अभी तो हल्की हल्की हो रही है, तो ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर हम फटाफट ले कर आ रहे हैं। तो अभी जो बारिश है वो बंद हो चुकी है, तो ये ओनर है भैया यहाँ पे, तो और कैसे हो भैया? तो भैया ने कहा यहाँ पे ऐसे ही चलता है, बारिश थोड़ी सी आएगी जाएगी और फिर तेज़ होगी, देखो तो ऐसे ही चलता है यहाँ पे। तो भैया क्या आपके ये कैफ़े का क्या नाम है? हिडन हेवन कैफे। हिडन हेवन कैफ़े, हाँ। तो जो भी मेरे भाई जम्मू से ये देखेंगे, तो प्लीज़ अगर पट्टी टॉप में रुकना है, मैं भी मतलब रेगुलर आता ही हूँ, बट यहाँ पे कैफ़े का जो मतलब एक अलग ही फील है यहाँ पे, वो मैं आपको बता नहीं सकता, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, ठीक है। तो मैं बाद में आपको बताता हूँ, जो भी मेरा भाई यहाँ आना चाहता है, तो प्लीज़ मैं भैया का नंबर यहाँ दे दूँगा, ठीक है, नंबर दे दूँगा, बारिश तेज़ हो गई है, ठीक है, तो वो फ़ोन करके भैया के यहाँ पे आ सकते हैं। तो भाई पत्नीटॉप का यही मज़ा है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, तो देखिए वहाँ पर भी सारे उठा रहे हैं, तो हम फिर यहाँ से भाग रहे हैं। तो फिलहाल टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं 1:30 बज जाएगा, खाना बनाते हैं, चलो चलो फटाफट फटाफट गीले हो जाएंगे भाई, भागो भागो, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है बारिश, ये भी अलग मजा यार। ओए जल्दी चलो जल्दी, मैं जल्द के अंदर चले ले यार, मैं गीला हो चुका हूँ आधा, मतलब वहां से यहाँ तक आते गीला हो गए यार, इतनी तेज बारिश आ गई। अभी भैया और से बारिश नहीं आएगी, अबे जल्दी चलो 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 फटाफट। ओ बेहतरी भाई, देखो मतलब अभी वहां पे बारिश नहीं थी, देखते देखते ना बारिश देखो कितनी तेज होगी, और मेरी हालत भी देख लो, मैं भी पूरा गीला हो चुका हूँ। और भाई लोग एंजॉय कर रहे हो? तो भाई ये देखो वहाँ पे जो हमारे साथ फैमिली आई थी, वो भी अपना सामान वगैरह सारे उठा रहे हैं, तो उनके वहाँ खाने के पतीले वगैरह भी मेरे ख्याल से बर्तन वहीं पड़े हैं बाहर, ये देखो ये सारे मेरे ख्याल से गीले हो रहे हैं, तो ये उठा क्यों नहीं रहे मेरे समझ नहीं आ रहा, चलो उनकी मर्जी है, फिलहाल हमने तो सारा सामान अंदर कर लिया है। तो यहाँ पे भी मसाले वगैरह भी आधे डाले हैं, तो कलर आप चेक कर सकते हो, बढ़िया कलर आ रहा है, मतलब गाड़ी तो कलर करते ही करते हैं, हम सब्जियां भी कलर कर देते हैं। तो यहाँ पे अंकुश और रॉकी धनिया और पुदीना जो है वो साफ़ कर रहे हैं, मतलब मेहनत भी काफ़ी लग रही है इसमें, और यहाँ पे पनीर जो है पनीर फ्राई हो रहा है, और अर्जुन यहाँ पे पूरी पूरी हेल्प करता हुआ हमारी, और यहाँ पे फिलहाल सब्ज़ी बन चुकी है, मतलब अभी आधी बनी है, हाफ कुक हुई है, अभी इसको टाइम लगेगा। तो अभी बिरयानी जो है मसाला वो रेडी हो चुका है, और चावल हमने भिगोए थे वो भी हो चुका है, तो चावल के लिए पानी रखती है, तो बाकी सामान ये बड़ा है, और मेरे साथ विशाल यहाँ पे बैठा हुआ है, बाकी सारे बाहर एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी चावल बनाते हैं, फिर आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। तो अभी चावल यहाँ पे बन चुके हैं, तो अभी चावल हम शिफ्ट करेंगे यहाँ बिरयानी में, और टाइम देख लो आप, 1:32 हो रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वही नहीं दिख रहा, 1:32 हो रहे हैं। कौन सा ला रहा है?
कुछ और लोग आए हुए हैं। हाँ हाँ फैमिली जो सरदार फैमिली है। हाँ हाँ चिल्लाने तो करने तो एंजॉय। तो भाई फॉग देखो आप, फॉग कितनी बढ़ चुकी है कि कुछ भी नहीं दिख रहा। और यहाँ पे जो और भी गेस्ट्स वगैरह जो आए थे, तो फुल डांस चल रहा है, फुल मस्ती चल रही है। तो इस टाइम पे रात के 2 बज रहे हैं। तो गैस देखो यहाँ में हमने क्या जुगाड़ किया, इसको मतलब कि ऊपर से प्रेस करना था तो कुछ और मिला नहीं। यहाँ ये हथौड़ा पड़ा था तो हथौड़ा रख दिया हमने। और बार आपको पता ही है डांस चल रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने मैट डाल दिया है खाना खाने के लिए। तो यहाँ बिरयानी हमारी रेडी है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो गैस ये देखिए बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अभी कैसा टेस्ट है ये आपको लड़के ही बताएंगे। तो भाई साहब 2:44 हो रहे हैं, तो अभी हमारा खाना रेडी हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो ये फाइनली जो बिरयानी हमारी ये बनी है। तो आप भी कमेंट कीजिए, अगर आपको दिखने में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो क्या जब टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, तो अभी सोने की तैयारी करते हैं। तो आज का ब्लॉग जो है वो यही करते हैं एंड, कल मिलेंगे अपने नए ब्लॉग के साथ। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़ुकाम भी हो गया, तो अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। कल मिलते हैं मॉर्निंग में नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, गुड नाइट।